अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर जो भी समाजवादी से प्रभावित थे, तो ऐसे युवाओं ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन करने का निश्चय किया। इन्हीं युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख युवा थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे, अर्थात इन्हें किसी धर्म की चिंता नहीं थी, ये धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्म एक समान हैं। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला मैदान पर हुई बैठक में इन युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव आदि युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था, और साथ ही यह संगठन किसान श्रमिकों का शोषण करने वाली अन्यायी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उलट देना चाहता था। और भगत सिंह ने सामाजिक न्याय और समता पर आधारित समाज निर्माण करने पर बल दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न बनता है कि भगत सिंह ने किन बातों पर या किन मूल्यों पर बल दिया? तो भगत सिंह ने सामाजिक न्याय, समता पर आधारित समाज निर्माण करने पर बल दिया। हथियार इकट्ठे करना और योजनाओं को कार्यान्वित करना जैसे कार्य इस संगठन के स्वतंत्र विभाग को सौंप दिए गए। इस विभाग का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था और उसे चंद्रशेखर आजाद उसके प्रमुख थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हथियार इकट्ठे करना और योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य किस संगठन को सौंपा गया? तो यहाँ पर ये कार्य जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक संगठन बनाई गई, जिसका प्रमुख कार्य था हथियार इकट्ठे करना और योजनाएं बनाई जा रही है उनको कार्यान्वित करना। अब एक प्रश्न बनता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो इसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद थे। इस संगठन के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को परिणाम दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स नाम के अधिकारी पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। अभी यहां पर एक प्रश्न बनता है कि भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स नाम के अधिकारी पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर उत्तर हमें क्या मिलता है कि भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स नामक अधिकारी पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। और इस समय
सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले दो विधेयक अर्थात कानून, विधेयक अर्थात कानून, दो विधेयक केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किए। उन विधेयकों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। अभी यहाँ पर कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। तो यहाँ पे उत्तर के लिए लिखेंगे कि सरकार ने, पहला पॉइंट, सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले दो विधेयक केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किए। दूसरा पॉइंट, उन विधेयकों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और सरकार ने तत्काल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ठिकानों पर धावे बोले। उसने पता लगाया सरकार ने और उस पर आक्रमण कर दिया और उनमें पुलिस को सेंट्रस की हत्या का भी सुराग मिला। सरकार ने क्रांतिकारियों को धरपकड़ प्रारंभ किया और उन पर, उन सभी पर, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद अंत तक पुलिस के हाथ नहीं लगे और आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वे शहीद हो गए। और उसमें भी उन्होंने स्वयं को, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे आजाद हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर दी, लेकिन अंत तक वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। चटगांव शस्त्रास्त्र पर हमला। अब अगला है चटगांव शस्त्र, जो गांव था उस पर किस प्रकार से हमला हुआ। तो सूर्य सेन बंगाल के चटगांव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि चटगांव गांव के प्रमुख कौन थे। तो सूर्य सेन बंगाल के चटगांव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। उन्होंने अपने साथ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलाल वड्डेदार जैसे निष्ठावान क्रांतिकारियों की एक सेना तैयार की थी और उनकी सहायता से सूर्य सेन ने चटगांव के शस्त्रागार अर्थात जेल, तो गांव का जो चटगांव का जो शस्त्रागार था जहां पर शस्त्र रखे जाते थे, तो शस्त्रागार पर हमले की योजना बनाई। और इस योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने चटगांव के दो शस्त्रागारों में संग्रहित जो शस्त्र रखे गए थे अपने अधिकार में कर लिए। गार मतलब होता है स्थान, जेल, लेकिन किसका जेल है यहाँ पर? लोगों का नहीं है, यहाँ पर शस्त्रों का, अर्थात जहां पर शस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता था। अंग्रेज जहां पर शस्त्र रखते थे उसे कहा जाता था शस्त्रागार। तो यहाँ पर उस पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ व्यवस्था की तोड़फोड़ की और संचार व्यवस्था को ठप्प करने का, अर्थात उसको बंद करने में वे सफल रहे। और इसके पश्चात उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ रोमांचक संघर्ष किया। तो इस प्रकार से अर्थात उनकी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को प्रयास, भरपूर प्रयास किया उन्हें परेशान करने का। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्य सेन व उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ लगे और सूर्य सेन और उनके 12 सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई। इसमें से कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। यहाँ पे खालिस्तान के लिए आ सकता है, खालिस्तान को आजीवन कारावास का दंड दिया गया कल्पना दत्त। प्रीतिलाल वड्डेदार ने पुलिस के हाथ में पड़ने से बचने के लिए आत्माहुति दे दी, अर्थात उन्होंने
स्वयं ही अपने आप को मार दिया। चटगांव में हुए विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन की गति मिली और इस प्रकार से दो विद्यालयीन छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला न्यायाधीश की हत्या की तो बीना दास नाम की युवती ने कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोलियां चलाई और इस प्रकार इस अवधि में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का उत्तरदायी था। यहाँ पर जो अधिकारी था ओडवायर वह प्रमुख था। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी क्योंकि इसने जो है जालियांवाला बाग नरसंहार कराया था जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो कि जनरल डायर ने गोलियां चलाई लेकिन प्रमुख अधिकारी जो था वो था ओडवायर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग्रेज ब्रिटिशर्स को भारतीयों ने मार गिराया। ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प दर्शाए। उनका राष्ट्र प्रेम और समर्पण भाव अतुलनीय था। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ और इस प्रकार से क्रांतिकारी युग जो है वह समाप्त हुआ।